भैया YouTube ने मुझे साफ लफ्ज में बता दिया है कि 61.2% लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी वीडियो को तो रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि भैया कोई देखे ना देखे YouTube तो सब कुछ देखता है। तो यार चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरी वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का बटन नज़र आ रहा है ना, मुझे भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको ख़त्म कर दो, इसके ऊपर थोड़ी मारो, जो कुछ मारना है मारो, जो आपका दिल करता है ना करो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसको अभी फ़ौरन से पहले ख़त्म कर दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे, अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रिल पिको का एक ये वाला बहुत ही प्यारा कमाल का डिज़ाइन। ये देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत डिज़ाइन है। तो दोस्तों ये वाला जो डिज़ाइन है ये फैंसी पिको यानी कि कटवर्क वाली मशीन पर बना है और इस पर 4 धागे लगे हैं और इसमें मशीन की क्या सेटिंग है, धागों की क्या सेटिंग है, किस तरह से आपने रखनी है और ये वाला डिज़ाइन कैसे बनाना है, ये सब तो आपको मैं मशीन पर जाकर ही बताऊँगा। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये लाल रंग के बटन की गेम बजा दें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मशीन पर और आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों इस वक्त मेरी मशीन का जो टांका है वो है कटवर्क पिको वाला टांका, यानी कि वो टांका है जिससे कटवर्क पिको की जाती है। अगर मैं आपको अपनी मशीन की निडल प्लेट दिखा दूं तो ये निडल प्लेट आम निडल प्लेट ही है जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कटवर्क पिको में, कोई ख़ास निडल प्लेट नहीं है। तो यही आम निडल प्लेट आज के इस डिज़ाइन में मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ और इसी निडल प्लेट से आपको आज का ये वाला जो डिज़ाइन है वो बनाकर दिखाऊंगा। तो मेरी मशीन का फिल वक्त जो टांका है वो कटवर्क पिको वाला है और इस कटवर्क पिको वाले टांके से ये फ्रिल बिल्कुल भी नहीं बनती। इसके लिए हमें टांके को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, ठीक है? तो वो कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको अभी समझाऊँगा कि किस तरह से आपने उस टांके को चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कटवर्क वाला टांका किस तरह का होता है और कैसा है इस वक्त टांका, उसके बाद आपके सामने ही इन टांकों को मैं चेंज करूंगा और उसकी सेटिंग करूंगा फ्रिल वाली पीको की और आपको बनाकर दिखाऊंगा फ्रिल वाली पीको। तो ये देखें, तो दोस्तों ये देखें, ये है कटवर्क पिको वाला टांका, यानी कि वो टांका जिससे कटवर्क पिको की जाती है, ठीक है? ये कटवर्क पिको वाला टांका है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है? ये कटवर्क पिको बनी हुई है। तो ये टांका है कटवर्क पिको वाला और फ्रिल का जो टांका कैसा होता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आपने वो टांका कैसा रखना है, ठीक है? तो ये हो गया कटवर्क वाला टांका और इससे ये वाली पिको जो फ्रिल वाली पिको होती है वो नहीं बनती, उसके लिए हमें टांके को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो मैं इसी कपड़े के ऊपर थोड़ा सा इसको काट कर थोड़ा सा इसी के ऊपर आपको मसाल दूंगा, फिर अलग एक कपड़े के ऊपर आपको जो डिज़ाइन है वो असल डिज़ाइन कैसे बनता है वो आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपने क्या करना है, ये वाला जो धागा है बड़ेल ऊपर वाला धागा, इसको आपने ऐसे टाइट कर देना है, हल्का सा आपने इसको टाइट कर देना है और ये वाला जो धागा है इसको आपने लूज़ कर देना है ऐसे। मैं इसको खोल देता हूँ, ये देखें, ये मैंने इसको लूज़ कर दिया, इसको आपने फुल लूज़ कर देना है। ये देखिए मैं इसको लूज़ कर देता हूँ, इसको भी आपने हल्का सा लूज़ कर देना है और ये मैं अभी निकाल कर देखता हूँ टांका कि आया कि ये जो टांका मैंने सेटिंग की है ये अभी ठीक हुई भी है या नहीं हुई फ्रिल के लिए। इसको हम थोड़ा सा और लूज़ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये टांका आपने रखना है, यानी कि ये वाला जो धागा ये लूज़ हो गया, ये है टाइट हो गया, जैसे कि चाइना पिको पर टांका होता है वैसा आपने टांका इसका रख लेना है, ये देखें, ठीक है? ये टांका आपने रखना है।
अब जैसे कि आप देख रहे हो कि कटवर्क ये जो पिको की थी हमने, इसका टांका आप देखें ये किस तरह का है, और इसका टांका आप देखें ये किस तरह का है। ठीक है, आपको वाज़ह तौर पर फ़र्क नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि किस तरह के टांके हैं इनके। तो ये वाला टांका आपने रखना है, यानी कि ये जो धागा है इसको टाइट करते जाने, जब इसको टाइट करते जाओगे ये धागा पीछे हटता जाएगा, इसके पीछे आता जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर पीछे आ गया, सही है। और ये जो धागा है ये वाला, इसको आप लूज़ करते जाओगे तो ये फैलता जाएगा। ठीक है, ये फैल गया ऐसे, ये देखें ये जैसे कि दो जगहों पर ये फैल गया। और ये जो है ये दरमियान में, ये वाला जो दरमियान में आप देख रहे हो धागा, ये वाला है ये धागा, ये देखें ये वाला, ये जो देख रहे हो वो ये वाला है। और ये एक और दो, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं आर्च, ये वाले जो धागे रेड कलर के, वो ये वाला है। और ये वाला जो धागा है ग्रीन कलर का, वो यहाँ पर चला गया। ठीक है, समझ आ गई आपको। और ये वाला जो धागा है वो यहाँ पर आता है, इस जगह पर, इस जगह पर, यानी कि ये जो सारी पीको है इसको यहाँ पर आकर पकड़ता है ये वाला। ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला धागा। ठीक है, ये जो हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा है वो ये वाला धागा है। और ये जो है बैक साइड है ये कपड़े की, ये वाला जो धागा है ये वाला आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह का आपने टांका रखना है। तो सेम इस तरह का आपने पहले टांका रख लेना है, उसके बाद आपने फ्रिल को बनाना शुरू करना है। तो मैंने ये टांका सेट कर लिया है, अब मैं एक और कपड़े के ऊपर आपके सामने इसको बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने इसको बनाना है। दोस्तों मैंने कैमरे को थोड़ा करीब कर दिया है, ये मेरे पास एक फालतू कपड़ा है, इसके ऊपर बनाएंगे। अगर आप ओवरलॉक कर लो तब भी बेहतर है, ओवरलॉक ना भी करो कपड़े के ऊपर दुपट्टे के ऊपर तो भी कोई मसला नहीं, चल जाएगा। तो मैंने ओवरलॉक नहीं की हुई, मैं इसी से ही काम चलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले आपने ये जो टांका हमने निकाला था, इसी टांके की पूरे दुपट्टे के ऊपर पीको कर लेनी है। तो मैं जल्दी से इसकी पीको कर देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने एक स्टेप जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अब ये देखें, ये आपने इस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कपड़े को ज़्यादा पिको के अंदर नहीं लेना। आपने देखा होगा कि मैंने कपड़े को कम अंदर लिया है, तो इसी तरह आपने कपड़े को पिको के अंदर ज़्यादा नहीं लेना, कपड़े को आपने पिको के अंदर कम ही लेना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके ऊपर दूसरा स्टेप, दूसरी वाली पिको। तो आपको ये वाला जो धागा है ये नज़र आ रहा होगा, ये ग्रीन कलर का ये जो धागा आपको नज़र आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर करना है पीको। ठीक है, ये देखें ये हल्का सा ग्रीन कलर का धागा है, लेकिन ये कैमरे की लाइट की वजह से आपको थोड़ा सा पीला सा नज़र आएगा। ठीक है, ये जो पीले कलर का आपको धागा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने ये वाली जो बाहर वाली सुई है, ये वाली सुई आपने इसके ऊपर रखनी है, इस धागे के ऊपर। ये जो निडल आपको नज़र आ रही है, ये वाली निडल, इसको आपने इस धागे के किनारे के ऊपर रखनी है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। तो मैं आपके सामने इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपने देखा कि मैंने किनारे के ऊपर ऊपर ये वाली निडल रखी, इसी तरह आपने ये सारे दुपट्टे के ऊपर कर लेना। ये देखिए अभी से ये थोड़ी बहुत फ्रिल बनना शुरू हो गई है। तो इसी तरह आपने किनारे के ऊपर, जितना आप किनारे के ऊपर लेकर जाओगे ये उतनी ही खूबसूरत फ्रिल बनेगी। तो मैं जल्दी से ये वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। कैसे करना है कि ये जो किनारा है इसके ऊपर ऊपर आपने ये बाहर वाली निडल रखनी है। तो दोस्तों ये मैंने दूसरा स्टेप जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अब हम करेंगे तीसरा स्टेप, यानी कि इसी के ऊपर दोबारा से हम फिर से पीको करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों हमारा जो तीसरा स्टेप है वो भी मुकम्मल हो चुका है। अब जो हमारा स्टेप है, चौथा स्टेप, वो है फाइनल स्टेप। ठीक है, इस स्टेप को करने के बाद हमारी जो फ्रिल है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह से आपने, जिस तरह से ये पहले किया था,
किनारे के ऊपर ही आपने करते जाना है, यानी कि ये जो किनारा है इसी के ऊपर ही आपने करते जाना है पिको को। तो चौथे स्टेप के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कपड़े को थोड़ा सा कम चलाना है, मशीन को अपने मशीन की निस्बत आपने कपड़े को थोड़ा सा पिको के अंदर कम देना है, मशीन को चलते जाने देने हैं, ठीक है। मशीन चलते रहे और कपड़े को आराम आराम से आपने चलाना है, बिल्कुल ज़्यादा आराम से भी नहीं, बस नॉर्मल से थोड़ा सा कम आपने कपड़े को पास करना है, बाकी मशीन को चलते रहने देना, ठीक है। आपने यानी कि कैसे करना है वो अभी आप वीडियो में देखोगे, मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा, जिस तरह से मैं करूंगा इसी तरह से आपने अपनी मशीन पर ये तरीकाकार अप्लाई करना है और बहुत ही खूबसूरत पिको निकल कर आपके सामने आएगी। तो करना क्या है कि सिर्फ आपने इसी किनारे को फॉलो करना है, बाहर वाली ये जो नीडल है ये आपने सिर्फ इसी किनारे के ऊपर लेकर आनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों हमारा जो फाइनल स्टेप था चौथे वाला स्टेप वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए आप कितनी खूबसूरत और प्यारी प्यारी फ्रिल बनी है। तो दोस्तों इसी तरह से आपने दुपट्टे के ऊपर फ्रिल बना लेनी है। तो दोस्तों देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत ये वाला डिज़ाइन बना है। तो दोस्तों इसी तरह का जिस तरह ये मैंने एक छोटे से कपड़े के ऊपर ये वाला डिज़ाइन बनाया है, इसी तरह से आपने इसका डिज़ाइन एक सैंपल के तौर पर बनाकर अपनी शॉप पर लगा देना या अपनी मशीन के साथ लगा देना है, तो बहुत ही अच्छा आपको इसका रिस्पांस देखने को मिलेगा, कस्टमर बहुत ज़्यादा इसको लाइक करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत डिज़ाइन है, सिंपल भी है, कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इसमें और बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है। तो दोस्तों ये वाला डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी आपने ज़रूर से लाइक करना है और अपने साथ साथ आपने अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है ताकि और मज़ीद दोस्त इस वीडियो को देख कर ये वाला डिज़ाइन बनाना सीख जाएँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कभी किसी और नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।